तो फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान ने सिनेमाघरों में 10 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और इस फिल्म ने अपने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, शैतान फिल्म को मात्र 60 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने मात्र 10 दिनों में अपने बजट से 3 गुना कमाई कर ली है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान के 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फिल्म को दुनिया भर में कितनी स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शैतान फिल्म को विकास बहल के डायरेक्शन में बनाया गया है, जिसमें हमें अजय देवगन के साथ ज्योतिका और आर माधवन देखने को मिले हैं। और अगर बात की जाए फिल्म की स्क्रीनों की, तो शैतान फिल्म को 42 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं शैतान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो शैतान फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड़ 21 लाख रुपए इंडिया सेनेट कमाए। उसके बाद फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 19 करोड़ 18 लाख रुपए। तीसरे दिन फिल्म ने कमाए 20 करोड़ 74 लाख रुपए और चौथे दिन फिल्म ने कमाए 7 करोड़ 81 लाख रुपए। वहीं पांचवें दिन फिल्म ने कमाए 5 करोड़ 57 लाख रुपए और शैतान फिल्म ने अपने 5 दिनों में इंडिया से 69 करोड़ 51 लाख रुपए नेट कमा लिए थे। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ हो गया था। उसके बाद शैतान फिल्म ने अपने 6 करोड़ 27 लाख रुपए कमाए। 7वें दिन फिल्म ने कमाए थे 5 करोड़ 82 लाख रुपए और 8वें दिन फिल्म ने कमाए 5 करोड़ 12 लाख रुपए। वहीं 9वें दिन फिल्म ने कमाए 9 करोड़ 12 लाख रुपए और शैतान फिल्म का 9 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 95 करोड़ 84 लाख हो गया। तो वहीं फिल्म का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़ 98 लाख हो गया था। और अब हम बात करेंगे शैतान फिल्म के 10वें दिन यानी आज के कलेक्शन के बारे में। तो शैतान फिल्म अपने 10वें दिन लगभग 11 करोड़ रुपए कमा रही है और शैतान फिल्म का 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 107 करोड़ हो रहा है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 154 करोड़ हो रहा है। वैसे शैतान फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।